हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हम लोग सीखने वाले हैं इंस्टाग्राम में ब्लू टिक कैसे लगाएं और वेरीफाई अकाउंट अपना कैसे बनाएं। तो गाइस, इसके लिए आप लोग को दो एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, एक है पिक्सल लैब और एक है प्रोफाइल फोटो एडिटर। तो गाइस, सबसे पहले आप लोग को क्रोम पर किसी भी पिक्चर मोड एपीके डाउनलोड करना। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो उसमें आपको प्रीमियम लेना पड़ेगा, तभी निकलता है। तो कहीं भी वेबसाइट पर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आप नीचे डाउनलोड करके डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, सबसे पहले ऐप का इंटरफेस कुछ इस पर कर रहेगा। आप जैसे ही ओपन करेंगे, लॉगिन भी नहीं करना पड़ेगा, आप साइन इन भी नहीं करना पड़ेगा, इससे आ जाएगा। देखिए, बहुत सारा अच्छा अच्छा बॉर्डर है, इससे आप इंस्टाग्राम में बहुत सारे अच्छा अच्छा चीज़ लगा सकते हैं। देखिए बॉर्डर कितना मस्त है, इसमें आपको फ़ोटो ऐड करना है और इसमें तो फोटो ऐड हो जाएगा। तो आज हम लोग का टॉपिक है कि फ़ोटो में ब्लू टिक कैसे लगाएं, इंस्टाग्राम को वेरीफाई अकाउंट कैसे बनाएं। किसी का भी फ़ोटो में आप देखेंगे ये वाला फ़ोटो शो हो रहा है कि फ़ोटो के साइड में स्क्रीन पे ब्लू टिक साइन आता है, इससे लगता है वेरीफाई अकाउंट है और अच्छे भी लगता है अकाउंट देखने में। तो चलिए गाइस, इस तरह के बॉर्डर मिल जाते हैं। तो हम लोग का काम है आज को बैच वाला, है कि हम लोग को बैच में टिक लगाना है। तो देखिए गाइस, दूसरे नंबर पे है नहीं, ये पहले नंबर पे है ब्लू टिक, इस पर क्लिक करना है। देखिए गाइस, ब्लू टिक है, कितना मस्त है। यहाँ पर प्लस पे आइकन पे क्लिक कीजिएगा, आपका फाइल खुल जाएगा और आप यहाँ से कोई भी फ़ोटो चाहे तो ले सकते हैं। चलिए गाइस, मैं फ़ोटो लेके बताता हूँ, ले लेता हूँ कि मैंने फ़ोटो को चूज़ कर लिया। गाइस, इससे आप एडजस्ट भी कर सकते हैं, जैसे देखिए मैंने एडजस्ट कर लिया, और जूम चाहे छोटा बड़ा सब कर सकते हैं। मैं एडजस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए गाइस, कितना बढ़िया दिख रहा है। देखिए गाइस, हो गया। इसमें चाहे तो आप ब्लू टिक ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग को वेरीफाई अकाउंट अधिकतर नीचे पर रहता है। तो यहाँ पर आइएगा और यहाँ पर फोटो ऐड कर दीजिएगा, और यहाँ पर सेव बटन पर जाइएगा, सेव पे क्लिक कीजिएगा, ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। गाइस, उसके बाद आप लोग को क्या करना है, इसके लिए इसको एडिट करने के लिए आपको नेक्स्ट एप्लीकेशन ज़रूरत पड़ेगा, पिक्सल लैब। आपको प्ले स्टोर पर जाना है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध ये फ्री में मिल जाता है ये ऐप, इसको प्रीमियम नहीं करना पड़ता। और यहाँ आप जाके सर्च कीजिएगा पिक्सल लैब गाइस, पिक्सल PIXEL आ जाएगा गाइस, पिक्सल लैब आप यहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे ओपन है, मेरा तो डाउनलोड इसीलिए ओपन है, लोग इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस रहेगा। तो सबसे पहले आप लोग को ये जो ऑप्शन है टेक्स्ट न्यू टेक्स्ट, इसको यहाँ से डिलीट कर देना होगा, डिलीट कर देंगे गाइस। और इसका ये देखिए, इससे ए ऑप्शन पे चार ऑप्शन पे जाइएगा, चौथा ऑप्शन पर यहाँ पे लिखा रहेगा ट्रांसपेरेंट, या ट्रांसपेरेंट पे क्लिक कीजिएगा, या फिर कलर में ब्लैक कलर ब्राउन में चूज़ कर लिया। और यहाँ पे जैसे आप प्लस पे आइकन है, यहाँ प्लस पे आइकन क्लिक कीजिएगा और फ्रॉम गैलरी पे जाइएगा गाइस, फ्रॉम गैलरी पे जाइएगा तो आपका गैलरी खुल जाएगा। और जो अभी हमने एक्सपोर्ट किया, जो अपने फोटो को मैंने अभी सेव किया, उसको आपको लेना होगा। चलिए गाइस, मैं ले के बताता हूँ आप लोग को, जो अभी प्रोफाइल पिक्चर बॉर्डर में आ जाएगा गाइस। ये देखिए, ये रहा अभी फ़ोटो मैंने बनाया, और ये सेलेक्ट होके यहाँ आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको कुछ कट छट नहीं करना, यहाँ पे लगिएगा सिंपल, इसे इससे रोटेट होता है और इससे बड़ा छोटा होता है, तो हम लोग को बड़ा करना है थोड़ा। देखिए गाइस, बड़ा हो गया। उसके बाद इसको यहाँ पर टच कीजिएगा, और इसके बाद तीन नंबर पर आइएगा, और यहाँ पर एक सेव का आइकन मिलेगा, सेव के आइकन पर जाएगा, और यहाँ पर जो स्क्वायर टाइप है ना, इसको वहाँ टच करना है। और यहाँ देखिएगा सर्कल, सर्कल को टच कर देना, और जितना साइज फ़ोटो फ्रेम ठोका उतना साइज में सर्कल ठोका हम लोग को कर लेना। चलिए गाइस, मैं करता हूँ। ये देखिए गाइस, मेरा हो गया गाइस, ओके हो गया गाइस। अब इसको कर देना सेंड टू बैक, हो गया गाइस। अब ये जो मैंने फ़ोटो लिया था ना, ये फ़ोटो को आपको थ्री नंबर पर आना है, फ़ोटो को क्लिक करके थ्री नंबर पर, अरे यहाँ आपको लिखा रहेगा ट्रांसपेरेंट, इरेज कलर के ऑप्शन पे क्लिक करना और इनेबल कर देना। देखिए गाइस, वाइट कलर हट गया और ब्लू टिक भी रह गया। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको किसी भी कर एडजस्ट कर लेना है। देखिए, जैसे कि ब्लू टिक पे वाइट लाइट आ गया मेरा गाइस। चलिए गाइस, मैं टिक करके बताता हूँ। देखिए गाइस, हो गया। अब यहाँ पर आप जाइएगा, यहाँ पर नहीं गाइस, यहाँ पर जाइएगा, और ये जो लॉक का ऑप्शन है ना, ये जो लॉक का ऑप्शन है, इस लॉक को कर लीजिए, इससे फ़ोटो खिलेगा नहीं। आप चाहे तो मनपसंद का बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, ग्रीन येलो कुछ भी, आप चाहे तो अपना फ़ोटो भी ले सकते हैं गाइस, आप चाहे तो अपना फ़ोटो भी लगा सकते हैं गाइस। मैं बैकग्राउंड ब्लैक कलर का ले रहा हूँ, इससे ये होता है कि आसानी होता है।
उसके बाद आपको अगर गैलरी से फ़ोटो ऐड करना तो गैलरी से फ़ोटो भी ऐड हो जाएगा गाइस। ये रहा मेरा खुल गया, हम चाहे तो नहीं, मेरा ब्लैक कलर का ही ठीक है इसलिए मैं रहने देता हूँ गाइस। इसके बाद थ्री लाइन पे थ्री डॉट है, इसको क्लिक करना गाइस। और इसके बाद आपको एक्सपर्ट साइज एक्सपर्ट इमेज लिखा है उस पर क्लिक करना है। और यहाँ जो डायमेंशन फॉल्ट है इस यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, अल्ट्रा कर दीजिएगा और उसके बाद सेव टू गैलरी कर दीजिएगा। इससे आपका फोटो इजीली सेव हो जाएगा। आई होप गाइस वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। एक गाइस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन मिस ना हो। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। जय हिंद जय भारत। थैंक यू।